दीवारी बंद भाई माई पीछे पहले अपने मन को हम कहें फिर सत्शास्त्र कहेंगे क्या कहो भाई ये ही इज्जत केले का फल है जीवन मुक्त। शास्त्रों में दो प्रकार की मुक्ति है, एक जीवन मुक्त दूसरी विदेह मुक्त। जो पहले जीवन मुक्त हुआ है वही विदेह मुक्त का फल पाएंगे। ये मेरे मन जीवन जीवते जीवन मुक्ति पाए। काल करो नहीं घेरा काल के घेरे से छूट जाए। आप जन्म में मरे ये ठीक नहीं। ये काल के चक्कर से अभी उतरो रास्ता लेके चल रहे हैं। जैसे वशिष्ठ महाराज श्री रामचंद्र को कह रहे हैं, राम जी आप जीवन मुक्त का राज करो। कैसे करो? जैसे राजा शुक्रध्वज ने करा है। बड़ा प्रतापी वीर देखी राज धर्म का करता था। तन मन धन जवान करके सरल जीवन अंतर की सब आशा जाता जीवन लटकी होकर वो राम जी वो राजा बड़ा प्रतापी था, बड़ा धर्मात्मा था। जीवन मुक्त राज करने लगे। राज की क्रिया सर्व करते थे परंतु कमल फूल जैसे असंग रहता था राज में। प्रिंस बोले इतना कथा का प्रसंग कल से हो चुका है। आज के प्रसंग में योग विशिष्ट निर्माण प्रकरण में वाल्मीकि कहता है भारद्वाज विशिष्ट महाराज कहते हो राम जी, सतगुरु महाराज कहते हो जिज्ञासु ब्रह्म को मूर्ख। इतना कहके विशिष्ट महाराज कहते राम जी सुनो। हरि बीस वर्ष का जब हुआ खेलन गया शिकार और खेलन गया शिकार पास मया था फूला राजा अपने बाग अंदर तब आकर के स्नान करा। उसी ताल के तट पर बनिया सुंदर स्नान करा।
से चारों दिश चमकारी थी नाच नाच के चित्र बने थे दादा की भारी थी नाना फूल रहे पर बसंत बड़ी बहारी थी पर पंछी बोल पर बोली लागत मन से प्यारी थी मन बचन का लाग रहा था अगर चंदन बेकारी थी हमारा धर्म धर्म वाले हमारा चलते चलते प्रसून राजा पर देश किया हाथ बात के भेद पदारत महासुंदर हत देख लिया कृष्ण कुमार के तो हम भी यदि राजा शुक्रद की 20 वर्ष अवस्था हुई एक दिन शिकार खेलने गए शिकार खेलते खेलते अपने बगीचे में आया प्रेम से बोले अल्लाह बगीचे में आया बसंत की ऋतु थी बड़ा मंद पवन पीतल पवन सुगंधी के साथ चल रहा था राजा अपने बाग अंदर तब आकर के स्नान करा राजा अपने बगीचे में स्नान करते उसी महल के किनारे तलाह के पत्र पर कुएं के किनारे पर बड़े सुंदर महलात बने हुए जिसमें हीरा मोती लाल जवाहर जड़े हुए थे भांत भांत के चित्र बने थे शोभा झांकी बनाई थी अनंत चित्राकारी बनी हुई थी नाना फूल पर तमाम वृक्ष गंधार वृक्ष अनंत वृक्ष फूल सुगंधी से सुगंधित हो रहे हैं मंदपवन धीरे धीरे चलने लगा अगर चंदन बाजी को उसकी अधिकारी थी भवरा भवरी धर्म रहे क्या फूलों की फुलवारी थी भवरा भवरी गंधास के रान भू शब्द से चलते चलते उसी महल में राजा आकर वो शुक्रिया राजा शुक्रदुग उसी महिला के अंदर आया भांत भांत के भोग पदार्थ महासुंदर अर्थ देख लिया तो जाकर बैठ के महासुंदर पदार्थ देखने लगे देखते देखते क्या हुआ सोचा परमर्श बैठ के कर्म लगे विचार पर मिले मुझे आके पूजा कर बैठ के चारों तरफ से शब्द सत्र शुरू कर सुगंध पदार्थ भेज के भोग सुनू राजा विचार करने लगे कि मेरी शादी हो तो स्त्री से मिलकर ये भोग भोग तो नहीं थी शादी नहीं करती प्रेम से बना रही भोग वासना भूत के अधिक बनी मन मानो देता मन जन्म लिया तक भोजन कारण रहता उदासी विवाह उसका करना है परम धर्म हो तो हमारा राजन का मन में ऐसे सोच चला उठे राजन को वहां छोड़ दिया खोज खोज का महासुंदर राजन का जत मोहर चाह रही अत शोभा जिसकी भारी थी नाम जिसे चूड़ा लाता प्रश्न बोल रहे हैं
वेद वाचना भूपते अज कधी मनमान लोगों की वाचना इच्छा चाहना प्यास बहुत बढ़ी राजा लेकिन सिर्फ जन्म ले आया ज्ञान हृदय का मंत्री जान लिया तो बताओ मंत्री वो तीन काल राजा का ज्ञान उठता था वो राजा का दिल का भाव जान गए क्या जाना कि भोजन कारण रहता उदासी वहां ऐसा करना ही मेरा धर्म है राजा का दुख दूर करो प्रेम से बढ़ो राजा का दुख दूर करो ये हमारा धर्म है उनका मंत्री है राजा का दुख दूर करो मन में ऐसे सोच चला उठे राजा को वहां छोड़ दिया राजा को कहा राजा को वहीं छोड़ दिया उठ के निकला बाहर खोज खोज के महामन सुंदर होता राज नगर को देख लिया खोते खोते राज सामने एक महासुंदर राजा का नगर था उसी में जाके पहुंचा पहुंचा तो नगर के अंदर जो प्रवेश किया तो क्या देखा राज नगर का रही शोभा जिसकी भारी थी राज कन्ना तो राजा सुंदर रहता है वर कह रही है उसकी शोभा सुगंधी खुशबू चारों तरफ से फैल गई है क्योंकि भक्ति गुण ज्ञान धर्म कभी छुप नहीं सके सुगंधी फैल रही है जस चारों तरफ से नाम जिसे चूड़ाला था गुणज दिया सील उदारी थी जिसका नाम था चूड़ाला गुणज दिया चतुर्वेद पढ़ी हुई थी ब्रह्म से बढ़ सच शास्त्र पढ़ी हुई थी परी जिसकी महिमा फैल रही है सुनिया कमार राजसभा के मां कीरत अपने नाथ की सबसे उतारी महिमा सुन के शिखर भुगती महिमा सुन के शिखर भुगती राजा के मन हर्ष भया शीघर वायुद कर शीखल मंत्री हाथ दिया हाथ दिन का लगन लगा करो आन तको वार्ता चला जहां नर पदे छेड़ के आया तहां लोग दे आए मिला मंत्री जाके स्वयंवर में अंदर गया जाके राजा के आगे बैठ के अपने राजा शुक्रदत्त की महिमा कीर्ति जस सुनाने लगे कहने लगे राजा को उसका लक्षण सुनाने लगे कि मेरा राजा शुक्रदत्त बड़ा वीर है धर्मात्मा है बड़ी महिमा करी उसी राजा ने सुन के बड़ा खुश हुआ खुश होकर श्री घरी पंडितों को हाथ में दिया प्रेम से बल हरे आठ दिन का मुंह से निकाल क्योंकि आठ दिन अपने राजा की शादी करा के जाना ऐसे कहते मंत्री बड़ा प्रसन्न खुश हुआ आठ दिन का लग्न लगा करो आनंदक होगा पाए चला आठ दिन का मुंह से निकाल के मंत्री खुश होके वहां से चला जहां मृत को छोड़ के आया तहां लौट के आए मिला जहां राजा को छोड़ के गया था दो दिन मंत्री को लग गया दो तीन दिन जहां राजा को छोड़ गया किसी जगह पर उसी जगह पर ही आके देखे कि राजा का सिर मीठे है शहरों में नहीं गया तो वही बैठा है चिंता हूं ये भोग है क्या कर ये भोग सुंदर अत प्यारा है मैं पीछा इसका खाना है चल मैं पर पीछा बड़ा इसका कारण है ये भोग थका कारण है तुम पड़े जतन कर पाते हैं जो ये तेरा पतन हुआ जो अपनी पाते ये भोग पदार्थ सुंदर है पर जो प्राप्त हुआ तो थोड़ा सुख है वो भी दुख दुख में सुख भी ये अर्ध्या है वेदांत के अंदर
आगे वेदांत चलेंगे, थोड़ा सुख राजे नहीं मना तो हृदय चलेगा। वो राजा चलता रहे रोता रहा रो रहे हैं, ये भेद दुख होता है प्रेम से बोले। तभी तो गुरु महाराज ने कहा वो संपूर्ण करना सुनाई थी शायद ये नहीं सुनाई नहीं सुनाई। तीन प्रकार की बुद्धि होती है, एक पेली बुद्धि, दूसरी मोटी बुद्धि, तीसरी लौटी बुद्धि। पेली बुद्धि क्या होती है, ये जो बेलन की बूंद पानी में छोड़े तो रंग रंग होकर फैल जाती है। वो थोड़ी कथा सुनेंगे सुनते का बचन तो सिद्धांत उसको बहुत लगा लेंगे। पेली बुद्धि, दूसरी बुद्धि होती है मोटी, मोती को जितना सुराख निकालो उतना ही रहेगा, नहीं बचेगा नहीं घटेगा। जितना चार जितने कथा का सुनेंगे उतना ही याद करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, जहां की अर्थ नहीं निकाल सकेंगे। तीसरी बुद्धि होती है मोती, मोती को घोड़े पर कल पाया जाता है, उसको भी सुराख निकालेंगे तो देखने में कितना भी देर लगा देखने में। मोती बुद्धि क्या है, ये सफल में जुड़ाएंगे, यदि बाहर जाएंगे तो रास्ते में कोई मित्र कोई प्रीतम पूछेंगे कि कहां गए थे, के सुन पाए हैं जय कृष्ण कह रहे हैं। सत्र बड़ा अनुदाय सत्र अनुदाय था कि क्या कह रहे थे, क्या विषय चल रही थी, कि बड़ा अनुभव क्या कहें। राजा बैठे थे, रायल बनती थी, तबला ढोलक संत करताल बजाता था, कह रहे हैं बड़ा अनुभव था, क्या कहें भजन कथा मर्ज थी, कि विषय क्या चली क्या कह रहे थे, कि बड़ा अनुभव था, कि बड़ा अनुभव विषय क्या चली क्या कह रहे थे, कि ये पता नहीं, ये पता नहीं क्या कह रहे थे। आप जितने प्रेमी बैठे हो सारे उत्तम बुद्धि वाले आए हो, बुद्धि को तेज करना पहली बुद्धि, अपने मन को समझाना है, ये मन को समझाना है, ये मन चित्र रूपी बालक बड़ी शांति कराना है। जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ साधन कर्म जितने भी हैं, चित्तरूपी बालक मनरूपी बालक से शांति करने के लिए शांति सब जीव शांति सुख चाहते हो मेरे मन में संघ न करना, कभी भोग कराने से ये भोग दुख रूप है, इसका परिणाम दुख निकलेगा। ये सोने नाम भाई नाल जाते हो सोने नाम नहीं जाओ, गुरमुख अनुरोध की कभी नहीं जाओगे, सोने ना दुख की जड़ है,
ये अंग्रेज में कल्याणी जो प्रधान वो हो गए हैं उनसे बढ़े सोनी मा तिलक इतिहाद वो थका बीच बोल गए हैं मतलब ये हमारी भारत भूमि ऋषियों मुनियों हतारों की कह रहे हैं तुम्हारा कैसे सुख हो कभी सुख नहीं होगा अभी तो ये नीचे फिरती जाती है त्याग को सुन रहे ये आगे धीरे धीरे चले फिर बुलाए तुम तो ब्राह्मण है हमारा संत कल्याण बुला तो फिर घूम आए कहते स्वामी जी क्या कहें पूछा खबर तारा फिर सुनाई है क्या कहें सुबह को रूप के बाजार में तो नहीं होते छोटे छोटे दरों को ऐसे नमस्कार करता जाएगा कोई चीज चोरी नहीं होती है चोरी नहीं होती प्रेम से बोल रहे चौंक तुमने एक बार रखी है चोटी रखी है बोलू चोटी रखी है एक प्रेमी आया पेटी में पैसा पा गई चार एक आना एक बार बोली जल्दी जल्दी तो दो आ गई वो गया घर घर गया तो पता था उसका पता था कहने लगे तकदार ले आया कि हाँ जीते मेरे को दे उसको दी तो उसने ऐसे खुली के लिए तो दो ले आए दो क्यों ले आए कि पिताजी मैं तो कल ही थी तो दो दूसरी ऐसे आ गई जल्दी जल्दी हुआ आ गई तो यह छोड़ा हूं तो अच्छा तो पिताजी दो रुपया तो दो लगा करेगा वो दो रुपया पांच रुपया करे छोड़ो जल्दी करो छोड़ो पूछे यहां बैठो घर ऐसे यहां करेंगे सुना सुना है कि प्रांत है सौ वर्ष को आगे दिन मरता ही नहीं है क्या करता है सुबह को आठ बजे दुकान खोलता है दस बजे तक दिन घंटा दुकान आप ही चलता है कैसे तो सुबह को आठ बजे दुकान खोल के अच्छी तरह फिर हो जाता है मंदिर में सफल सुनता है भगवान के मंदिर में सफल सुनता पाठ पूजा करता है प्रेम से बगैर सुन के हवन करता है पाठ पूजा करके सफल सुन के दस बजे आता है दुकान पर दो घंटा आदमी चलता है कैसे कि दो को लगा हुआ है बड़ा उसी पर लिखा हुआ है सारा भाव चीज पदार्थों की वो पैसा जितना उसको चाहिए पैसा पेटी में पास उतना कपड़ा जो भी चीज चाहिए उतनी ले जाए पर जमीन इतनी नहीं चाहती लेगी यहां से करेंगे बड़ा दुकान खाली दे वाला निकल जाएंगे दुखी नहीं सत्यवादी बन जाए ये प्यारे हरदास आपको सुनाए हम मन शहर पर पशु थोड़ी हमारे पर जवाब जारी है हे मेरे मन संग न करना कभी भोग करा लसो अंत में बलिनाम दुख निकलेगा तेरा फिर लाख कारोणा बेकार में बनेगा हे मेरे मन संग न करना कभी भोग करा लसो ये भोग है ये लाश करते हैं इसी जीवन को गोसा में तुलसी नारायण ने कहा है हरी अलमाना भूमरा उसका अर्थ मतलब फूल पर नाश हो जाता है उससे एक विषय है पतंग दो एक बत्ती की बत्ती देखे हुए क्षण उसी में नाश हो जाएंगे अल्लाह पतंग मृग मृग को एक विषय है ना गति सब गति उसकी बड़ी लंबी कथा है उस पर नाश हो जाता है मीन माना मछली उसको हस्पति विषय है एक कुल भी पा देते हैं खाने में उसी में क्या कुछ देखे उसमें मर जाती है मर जाती है गर्जमाना हाथी काम के विषय पर नाश होता है एक कर सकी आंच पर फिनसी राखी कहने गत जाने रियासत पहुंचे उसी मर सका क्या हल होगा जिसमें पहुंचे विषय मौजूद है वो मेरे मन ये विषय का क्या करे संग में करना कभी भोग कराने से प्राण हो सुख रूप वैसे बोल रहे हैं प्रीत लगाए गुरसन को मनाने से आपको प्रीत रखनी है संग करना है तो महात्मा सतगुरु का करो तो मराल रूप है मराल नाम किसका है मराल कहो हंस कहो हंस कहो ये प्राशब्द है वो हंस महात्मा संत गुरु हंस के रूप है हंस क्या करता है
जैसे हम सामीर खीर मल्हा अपने 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 तू सचान पाने दूध पहन जाते दूध मिला दिए
चूर चटा के पानी अलग करके दूध अलग करके दूध पी लेंगे पानी को छोड़ देंगे। वो मेरे मन इतना समतल है। इस दुनिया के संसार के अंदर पाप पुण्य झूठ सत्य धर्म अधर्म सारा मिला हुआ है। ये जोड़े की सृष्टि है। आप झूठ का त्याग करके सत्य का ग्रहण करो, अधर्म को त्याग के धर्म का ग्रहण करो, असत्य को त्याग सत्य का ग्रहण करो। तब हम हंस जैसे पंछी जैसे मनुष्य सोने की प्रकृति मनुष्य जन्म की प्रकृति अभी दूसरी है। आगे आप सुनना ये हंस दखी जैसा है। पर बहुत करके सची करे पूछो बहुत मनुष्यों से प्रश्न पंछी अच्छे हैं। अपने धर्म में स्थित है, अपने सत्य में स्थित है। आप विचार करना ये सत्य है प्रज्ञासों के लिए, मोक्ष के लिए। जिसको मोक्ष की इच्छा है, भगवान के मिलने की आराधना के फेरे मिटाने की इच्छा है, ये उसी के लिए सत्य है। प्रेम से बदल रहा है अलग नकल होर बंद कभी मतावे शासन कसे तोल कसदा सती आन अनुगुल जागर कसी स्वात बलगन रहे निराशा परसो प्याला जगियासी जगत रहे दासा। सारे जगियासी जो सुखदा सुख को चाहते हैं वो जिज्ञासी है, सारा संसार जिज्ञासी है। प्रे को तुम मन धन के नष्ट और सारे तुम हो या मन को विश्वास लच्चा बंधाओ या तो कल बड़ी खा लेना। गुरु महाराज की मंडली आपके मंडली में कुछ दिन है प्रेम से बोल रहे हैं। अभी संत भी बैठे संत बसुराम संत चंद्रमान संत माता दास इधर से बैठे हैं संत। आप भी कोई मंडली बचाना घर आए तो ऐसी बगीचे में आना, ये बगीचा है। घर आए तो आना सारे फूलों की सुगंधी ले रहे घर फूलों की सुगंधी लेके शब्द को प्रसिद्ध करते हैं। ये महात्मा फूलों का वृक्ष है, सारे फूलों की सुगंधी मेरे संतों को बदल सुनते अपने चित्त को प्रसन्न करो। प्रेम से बदलो कभी चित्त दुखी मन रहे। संसार के अंदर चार जगह है चित्त को प्रश्न करने के लिए। आज याद करना या लिखना कौन एक पहाड़ सुंदर जैसे उत्तराखंड के पहाड़ कोलंबे के पहाड़ बड़ा सुंदर होता है। पहाड़ पर चढ़ेंगे ऊपर नजारा देखेंगे चित्त दर्शन होगा। दूसरा नंदी का किनारा सागर का किनारा लेके जाएंगे पानी के तरफ देखेंगे चित्त दर्शन होगा। तीसरा बगीचा का फुलवारी चमन चमन होगा, बगीचा फुलवारी होगी वहां चमन में फिरेंगे फूलों के तरफ देखेंगे चित्त दर्शन होंगे। तीन जगह चौथी चित्त के दर्शन करने की जगह वो है जिसी तरह आप भाई भाई बैठे सत्य संग वो जगह तब तक चित्त को प्रश्न रखेंगी तब तक उसी के अंदर होगा उसी के किनारे पर होगा। पर ये सत्संग कैसा है इन्हें चित्त प्रश्न हो गया तो फिर दुनिया के अंदर कभी चित्त दुखी नहीं सभी चित्त प्रश्न है। प्रेम से बोला जो चित्त को प्रश्न करना गुरु महाराज की मंडली कुछ दिन में यहां है या तो विश्वास मन को बंधाओ में तो कल कहीं खा लिए गऊ न चूहे मांस गऊ को मांस पका के भी खाएंगे विश्वास करो मक्की खाएंगे घोड़ा खाएंगा ऊंट खाएंगा कभी नहीं। जिसका सीधा दांत आएगा वो जानवर पशु पंछी कभी नहीं खाएगा। ये मनुष्य प्रकृति धर्म से जरा है। ये मछली मांस छोड़ दिए तो ये जाकर दूसरी जाति खाए गई माता की इच्छा हो जाए। ये इसी समय हमारे कितने साधु जेल में पड़े हैं कितने व्रत रखाए आपको पता नहीं होगा। प्रेम से बदल रहे दूसरी जाति जाके बकरा खाए मछली मांस आप छोड़ दिए मछली मांस ये गई गई माता सारी जाति की माता है ऐसे नहीं के हिंदू की है नहीं सारी जातियों की माता है। सारे दूध पीते ही नहीं माता किसको कहते हैं जिसका दूध दिया जाता है ठीक है। प्रेम शंका है तो लिख देना फिर कभी हम आते ही कहेंगे भाई किसको शंका है तो लिखिए पत्रे पर तो इधर भेज दो
किसी को भी सारी बंदरी के अंदर पर कैसे जब यहां से भाव से हाथ देर पे सची सची सिक्ञा बाकी गलत बात चिन्हावाद नहीं करेगा शास्त्रार्थ नहीं छिड़का हो रहा सची सची प्रेम से बोल रहे ये सारे साथियों की माता है गई माताएं हैं जो आज सुनकर अपने लिए कर रहे हैं नहीं देश के रक्षा के लिए धर्म के रक्षा के लिए सर्व जीवन के सुख के लिए ये महात्मा दुख पाए रहे हैं प्रेम से बोल रहे वो गए तो ऐसे ग्राम श्री सत्येंद्र लिखा हुआ है अभी से पहले मरों की जैसे वेद भगवान की उपनिषद है कैसे पहले मरों की अभी से सात मिल में सत्तर के सात मिल में सत्तर बकरना में गरु का वो गरु का कतल करता है वो दो सतम जाएगा प्रेम से बोल रहे क्यों ये शर्म में भगवान है किसने दिल को दुखाना नहीं बिना कारण किसी जीव के दिल को दुखाना नहीं मंदिर को मस्जिद को तोड़े तो मुझे नहीं जाता है पर दिल मत किसी की तोड़ ये तो घर था शुक्रदाता मंदिर में तो बुद्ध भर है मस्जिद में सचिन सफाई है पर इस दिल पर बाह में जलकता बिल्कुल सुधारी है क्या है इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है कंपी बढ़ती नहीं नजर में आती एक राजी है छोड़ जुलमत को निहामत को बेहतर से बचे खाता है दिल मत किसी की तोड़ ये तो घर खास खुदात है जैसा दर्द बुरा ये पले को पैसा दर्द बुरा से बचे सुबह को कसाई बकरों को जीवों को घात करते होंगे क्यों इसको दर्द नहीं होगा आपको विश्वास में सुबह को छुरी लेके अंगड़ी पर चला के देखो क्यों तकलीफ होती क्यों करो जैसा दर्द बुरा ये पले को पैसा दर्द बुरा से बचे जान सताना नहीं किसी की बहुत बुरा लगता है रब को खुदा तरा भी बीच तंगता है वाजिब और ना वाजिब को वो बाहर बातूनी जानता है सबके तलब को माफ करे दावा किया कोई तेरा बाबा काका है दल मत किसी की तोड़ ये तो घर था सुखदाता है पर है देवों का देव वही है पीरों का पीर वही जो जाने पीर तराई है ब्रह्मन है जिसके दिल में खून वही पसारी है बेदर्दी को दर्द नहीं जो मारे जान खुदाई है बाल बाल में जुनू के आज दो बकी छाई है लेकी कर ले ना दबे लेकी कर ले ना दबे यही दुष्ट का नाता है यही स्वर्ग का नाता है दिल मत किसी को तोड़ ये तो घर था सुख नाता है प्रेम से बोलो जैसे दिल को दिखाना नहीं ये सर्व मंत्र जानी नहीं है पेटे में आग चौंधन वेद भगवान कहता है क्या कहें एक को मेरा दुखंधन सब धर्म है कुरान शरीफ क्या कहता है मैं निमात रमू फसंद कहना तो सर ला खुदा खुदा अंतर जानी प्रभु ये कुरान शरीफ की आयत है प्रेम से बनाएगा बस दिल को नहीं दुखना नहीं बिना कान नहीं दुखना नहीं हे मेरे मुंह गर्व में छह नास शब्द में दास गुरा से शेर के दास दे कोई मतलब भूखा रखे शेर के पास देखाएगा कभी मर जाएगा मेरे हम सुनिंदा से मुक्ता अमन मगिन लेता से हम सको मछली दिन हम सासे ही दे हम सब पिता लो डरता न मेले कभी कीकर में पाँव नहीं डाएगा कीड़ा नहीं खाएगा मछली नहीं खाएगा कभी तो हंस कहा जाता है न तो मछली खाए तो सारे कहेंगे बगला है ये मनुष्य भी मनुष्य पर की इसकी प्रकृति नहीं है तो ये पशु है मनुष्य कहे प्रेम से बोलेगा वो मेरे मन महात्मा सतगुरु संत मराल हम स्वरूप उसकी संग करो तो हे मेरे मन आप कलो जैसे हैं कलवा क्या करता है गंदगी खाता है कड़वा बोलता है क्या दें कड़वा बोलता है हे मेरे मन आप कलो जैसे मछली मांस शराब क्या कहें अभी तो मुर्गी का अंडा क्या दें मुर्गी का अंडा ये क्या रोग हो क्या ये अंडा भी ये भी कोई चीज है ऐसा तो शक्त बीमार हो जाए
ये मतलब डॉक्टर खा रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तेरे को रोना चाहिए बाकी ऐसे अंडा खाना या फिर रोग खाना कभी तरह की। अभी मुर्गी ताली है क्या गई हिंदो में मुर्गी ताली है, वो जन्म को छोड़कर मुर्गी की सेवा करने लगे। ये देखो कैसा जमाना हो गया, मुर्गी की सेवा करने लगे। ये ठीक नहीं, प्रेम से बदल गया। हे मेरे मन आप कहो जैसे गंदगी खा रहे हो और कड़िया बोलते हो, झूठ बोलते हो, कटु वचन बोलते हो। महात्मा सतगुरु संत हंस रूप है, उसका संग करे पसंद करेंगे तो आप भी हंस बन जाएंगे। प्रेम से बोल रहे हैं जन्म मिलाओ दिन दयाल से प्रभु से जन्म मिलाओ। अंतर्यामी परिपूर्ण परमात्मा पर सर्व निराशी है, पर उसका निराश है दिल के अंदर। प्रेम से बोल रहे हैं या दिल प्रभु से मिलाओ, उसके लिए खाली रखो है। दीन दयाल से जन्म मिलाओ, दीन दयाल से, दीन दयाल से प्रभु पर कृपाल से ये आपकी पालना कर रहे हैं। दूसरा क्या करो
बोल गुरुदेव भगवान की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगन्नाथ हरे पिता, जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट साध, जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो रावे फल पावे दुख बिन से मन का, बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख घर आवे कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, मातम दार मेरे शरण गाऊं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आशक करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। जय जगदीश हरे, हुआ का गोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, सब रव लहू दया मैं, सब रव लहू दया मैं, तुमको मैं कुमती। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुखार तुम मेरे, रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, भार पड़ा तेरे। जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रेम बनाओ, संतन हरि सेवा। जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म की आरती जो कोई मर गावे, जो कोई मर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी मन, वंशज बल पावे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट साध, जनों के संकट हमें दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय गुरके, ओम राम स्वामी, जय गुरके, योग्य गुरुपकारी जगत उदारी, परोपकारी जगत उदारी, तुम पूर्ण काम, जय गुरत पूराम। जब जब प्रेम निज हित कारण तुमको पुकारा, आपको पुकारा, तब तब गुरु अवतार धरे तुम, तब गुरु अवतार धरे सबको विस्तारा। जय गुरते पुराम, देव प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र राखी रत्ना, स्वामी मंत्र
साथ साथ हम धर्म सनातन के प्रचारक धर्म सनातन के प्रचारक इतने बड़ा विराट जय गुरते गुराम ईश्वर ईश्वर मंडली लेकर पावन देव पदे पावन देव पुदेश आत्म रूप लगाया सबको आत्म दर्श दिखाया सबको हरिया ताप करे जय गुरते गुराम पूरण चल समाधि तेरी तेरी सिरासन ब्राजे सिरासन ब्राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रूप मनोहर सुंदर लोचन एक कमल गावे जय गुरते गुराम आत्म सत्य वचन के पूरे पूरे हो इंद्र गति स्वामी योगी इंद्र जति परमदारी नीरज दारी परमदारी नीरज दारी परमागाधमती गुरते पूरा धन मात पिता कुल तेरा साध सुजान स्वामी धन तो साध सुजान धन्यवाद सुजान तुम धन म्या धन्यवाद सुजान जन म्या हर दव शुभस्ता जय गुरते पुराब सुन मुनियन हरियन मुनियन रावण तुम्हारे स्वामी रावत गुण तुम्हारे जय गुरते पुराम भोजन तुम्हारी आरती गावे पार सो पुति स्वामी पार सो पुति हर जगत को हरदम दीजे सारी सदत को गुरुवर लीजे पूर्ण गुरु भक्ति जय गुरते सर्वानंद स्वामी जय गुर सर्वानंद योगींद्र सर्वानंद करम करम का दे उपदेश सत धर्म का दे उपदेश तात्यम के पंद जय गुर सर्वानंद तुम हो दाता दीनंद आलु सबके हितकारी स्वामी सबके हितकारी विश शारदान गुण गावे नारद शारद नित गुण गावे महिमा अति भारी जय गुर सर्वानंद फल फल चोला के रंग का सिर पे जटाधारी स्वामी सिर पे जटाधारी हर कमलों में लाती सोए हर कमलों में लाती सोए मोए नर नारी जय गुर सर्वानंद भरम उदारण कृष्ण वारण भगवान वरहारी स्वामी भक्तन वरहारी भजल तारण पारे उतारण भजल तारण पारे उतारण पारण देहदारी जय गुर सर्वानंद देशम देशम भ्रमण करके भक्ति फैलाई
स्वामी भक्ति पहलाए सो हम शब्द का मंत्र देकर साथी सुनो हम पना कर देकर ज्योति दिखलाई जय गुर सर्वानंद हजर अमर और अजर अविनाशी गत गत के ज्ञाता स्वामी गत गत के ज्ञाता गण गण में प्रभु सर्वव्याप कण कण में प्रभु आप व्याप गुण गुण दाता जय गुर सर्वानंद शरण तुम्हारी जो जन आई शरण साईं की जो जन आई पावे सुख राशि ओम जय गुर सर्वानंद सतगुर तिउ रावण के कृपा पात्र तुम भक्ति भंडार आँख पात भंडार गुरु भक्त बन गुरु भक्ति किया पर जय गुर सर्वानंद पूरण गुरु की पूरी आरती जो कोई नर गावे शाही जो कोई नर गावे भाव रावण दावन डाव पाप ताप संताप मिटाकर पूरण बल पाए सर्वानंद जय गुर सर्वानंद स्वामी जय गुर सर्वानंद मेरा योगी गुर सर्वानंद धर्म गरम का देव उपदेशा सत धर्म का देव उपदेशा काटे अमक पंड जय गुर सर्वानंद सर्व स्वरूपम आदि अनुपम भूमि रूपम देवानंद अनुपम भारत रूपम पादन माम निषदन श्याम शेख रावम दुर्ग्यानी पादन माम निषदन श्याम शेख रावम दुर्ग्यानी सर्वोलोक के वर्षा वर्षा तब से रेरे वादा तबला चंद्र चांद सुंदर सतगुरु के जयकार बुलाओ गुरुदेव भगवान की जय आशवंदी गुरु तो दर आई तुझ बिन ठौर न काई राम तुम हर दाता तुम हर माता मेरी आश पुजाई राम पाए पलव में फिर प्यारी आसे तुम जाई राम धन मन धन हर राज करे मैं नाम तुम्हारा सावन कर सानो सा पाप सभे राम कहे ते राम कहे तेंगुर लोकतीर में आवागमन मिटाई राम गुरुदेव भगवान की बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीमद् भगवद गीता मैया की कार्पण्य दोषो
पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुदचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शालिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शालिमां त्वां प्रपन्नम् अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूं क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीमद् भगवद गीता मैया की ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्रो उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् चमूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् प्रुजुत कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा सभी प्रेम साचो सतनाम साखी सतनाम साखी पंजी तारीख जी सभी के खबर आ की भगवान कृष्ण जो जन्म जन्माष्टमी जो महान ॾींहुं आहे जंहिंजे उपलक्ष्य में अॼु खां वठी श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भागवत पुराण ऐं श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब जा पाठ रखिया वञनि था त हाणे अचो श्रीमद भगवत गीता जो वचन ॿुधूं ओम श्री परमात्मने नमः पहला अध्याय धृतराष्ट्र बोले हे संजय
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता मैया की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत पुराण तिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमानिष्कृतं तच्छृणुवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चे नर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य पहला अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। श्री शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे।
चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहु महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने ऐसा सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो सभी का परिग्रह, जो साधु संत कहे जाते हैं, वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं।
घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग में दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अब अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा